हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर तो आज हम नाइन्थ नवंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस दैन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं फर्स्ट वन इज रिगार्डिंग एनविजन मिशन एनविजन मिशन इज एन ऑर्बिटल मिशन टू वीनस बींग डेवलप्ड बाई नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी एंड द लास्ट वन इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग स्वामित्व स्कीम स्वामित्व स्कीम फर्स्ट ऑप्शन है सर्वे ऑल रूरल प्रॉपर्टीज यूजिंग इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी सेकेंड है एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम थर्ड है इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स फैमिलीज एंड द लास्ट वन इज ओल्ड एज पेंशन स्कीम फॉर ऑल लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स तो आप इन क्वेश्चन के आंसर कर लो अब मैं इनके आंसर्स देती हूँ विद एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है एनविजन मिशन तो एनविजन मिशन जो है ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है स्वामित स्कीम इसका जो आंसर है वो है सर्वे और रूरल प्रॉपर्टीज़ यूजिंग इम्प्रूवड टेक्नोलॉजी अब अब स्वामित स्कीम को डिटेल में देख लेते हैं तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये है सौमित स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ़ पंचायती राज में आती है और इसकी फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज़ और ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज अब इस स्कीम के अंदर किया क्या जाएगा तो जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं विजेस के उनको अपडेट किया जाएगा ऐसा देखा गया है, जो लैंड रिकॉर्ड्स विलेजेस में होते हैं वो मेनली अपडेटेड नहीं होते हैं या गलत होते हैं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको अपडेट किया जाएगा और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं उनको एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा तो द एम टू अपडेट रूरल लैंड रिकॉर्ड्स प्रोवाइडिंग रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड्स एंड इशू प्रॉपर्टी कार्ड अब इससे क्या हेल्प होगी तो ये प्रॉपर्टी कार्ड के बेसिस पे मेनली ये लोग लोन्स भी ले सकते हैं बैंक से स्वामित्व को इम्प्लीमेंट किया जाएगा अगले चार सालों में लगभग सिक्स पॉइंट सिक्स टू लैक विलेजेस में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और यहाँ पर ड्रोन की टेक्नोलॉजी की हेल्प से लैंड रिकॉर्ड्स जो इनएक्रेट हैं एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं उस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा आगे हम चलते हैं यहाँ आप पद्म अवार्ड्स देख रहे हो तो ये जो हैं ये हैं इन्वायरमेंटलिस्ट एन और इनका नाम है श्री तुलसी गौड़ा ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है और उन्होंने लगभग तीस हज़ार सेप्लिंग्स को प्लांट किया है अपने लाइफ में और ये बिलोंग करती हैं हल्लाक की ट्राइब को तो ये आपको बता होना चाहिए हल्लाकी ट्राइब इंडिजिनियस ट्राइब है आगे हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट टेल्स यू पी अनश्योर ऑफ योर प्रोब लेट एक्स जज ऑफ एनदर हाई कोर्ट मॉनिटर मेकिंग क्लियर दैट इट इज नॉट कॉन्फिडेंट तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है जो उत्तर प्रदेश में जुडिशियल कमीशन प्रोब कर रही है लखीमपुर खीरी वॉलेंस केस को तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्फिडेंट नहीं है इसको लेकर इसलिए सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि जो प्रोब हो वो मॉनिटरिंग उसको मॉनिटर किया जाए बाई अ डिफरेंट हाईकोर्ट जज द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिटायर्ड जज फ्रॉम अ डिफ्रेंट हाईकोर्ट टू मोनिटर इन्वेस्टिगेशन टिल द चार्ज शीट्स आर फाइल्ड तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा है कि हम दूसरे हाईकोर्ट से किसी जज को अपॉइंट कर देंगे किसी रिटायर्ड जज को वो मॉनिटर करेगा इस प्रोव को और यहाँ पर जो जुडिशियल कमीशन जिस तरीके से प्रोव कर रही है उससे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सेटिसफाइड नहीं है अब हम यहाँ पर कोशिश कर रहे थे इंडिया एक कोशिश कर रहा था कि हम एक मीटिंग कन्वे करें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइस की तो डेली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान लेकिन यहाँ पर पहले पाकिस्तान ने आने से मना कर दिया अब चाइना शेड्यूलिंग इशूज़ के का चाइना भी नहीं आ रहा है अब कौन कौन से कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान में तो यहाँ पर बेसिकली सेंट्रल एशिया के सारे ही कंट्रीज़ आ रहे हैं तो रशिया ईरान तजकिस्तान उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान किर्गिस्तान तो ये सारे कंट्रीज़ आ रहे हैं अब इस मीटिंग में बात क्या की जाएगी तो ये जो है डेली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग इन अफगानिस्तान यहाँ पर बात की जाएगी कि हमें कैसे रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को अपग्रेड करना है क्योंकि तालिबान ने जब से अफगानिस्तान को टेक ओवर किया है तब से बहुत तरीके की प्रॉब्लम अराइज होने वाली है जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रेडिकलाइजेशन टेररिज्म क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इसके अलावा एक्सट्रीमिज़म जो तालिबान है वहाँ पर ड्रग का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है ओ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ही ओ का प्रोडक्शन है तो यहाँ पर ड्रग प्रोडक्शन ड्रग ट्रैफिकिंग का इशू बहुत ज़्यादा होने वाला है इसके अलावा लास्ट प्रॉब्लम ये भी है कि यू जब वहाँ से गया अफ़गानिस्तान की धरती को छोड़ कर गया तो यू ने अपने बहुत सारे मिलिट्री वेपन्स वहीं पर छोड़ दिए जिसका गलत इस्तेमाल तालिबान वाले लोग कर रहे हैं एंड द पोटेंशियल यूज़ ऑफ़ वेपन्स एंड इक्विपमेंट लेफ्ट बिहाइंड बाय द यू एस एंड इट्स एलाइज तो ये सारी प्रॉब्लम को देखते हुए हमें अपना रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को इवॉल्व करने की ज़रूरत है उसके बारे में ही मीटिंग में डिस्कशन होगा और बाकी जो भी डिस्कशन होगा वो न्यूज़पेपर में तो आ ही जाएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर डार्क स्टोर्स की बात की गई है तो मोस्टली पहले ये देखा गया था ये जो रिटेल चेंज होती हैं इनको जो वेयर हाउसेज होते थे वो आउटस्कर्ट्स एंड सिटीज में होते थे और वहां पर बहुत ज्यादा स्टॉक रखा जाता था अच्छा खासा स्टॉक होता था एकदम वेल स्टॉक्ड होते थे लेकिन अब इनका जो इसको लेकर माइक्रो वेयर हाउस ये लोग डेवलप कर रहे हैं माइक्रो वेयर हाउसेज़ इसीलिए डेवलप किए जा रहे हैं ताकि जो डिलीवरी है वो जल्द से जल्द हो सके फॉर एक्जाम्पल क्विक कॉमर्स का अब एरा आ चुका है जहाँ पर प्रॉमिस की जाती है कि डिलीवरी आपको दस से तीस मिनट में मिल जाएगी जैसे कि अमेज़न फ्रेश स्विगी फ्रेश मार्ट कुछ ऐसा होता है जिसमें आपको तीस मिनट चालीस मिनट के अंदर डिलीवरी हो जाएगी तो ऐसा पॉसिबल कैसे हो पा रहा है तो ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है माइक्रो वेयर हाउसेज़ की वजह से तो माइक्रो वेयर हाउसेज़ एक ही सिटी में बहुत सारे होंगे कन्वेंशनली uh, ये देखा गया था कि एक सिटी में सिर्फ एक ही वेयर हाउस होता था जो कि आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में होता था लेकिन अब माइक्रो वेयर हाउसेस सिटी में ही बहुत जगह होंगे और वहाँ पर जो स्टॉक्स हैं लगभग कम रखा जाएगा 2000 हाई डिमांड आइटम्स का ही रखा जाएगा फॉर एग्जाम्पल और इनको डार्क स्टोर्स बोला गया तो डार्क स्टोर्स क्या होते हैं तो डार्क स्टोर्स आर माइक्रो वेयर हाउसेज दैट आर लोकेटेड क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ डिलीवरी तो डिलीवरी के पॉइंट से पास होंगे तो आसानी से दस से तीस मिनट में यहाँ पर ऑर्डर जो है वो डिलीवर किया जा सकता है कंपेर्ड विद लार्ज वेयर हाउस तो कन्वेंशनली क्या होता था एक लार्जर वेयर हाउस होता था जो कि आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी में होता था और बहुत कम होते थे और तीन और चार ही लार्ज वेयर हाउस सर्विस होते थे एक सिटी में लेकिन जो माइक्रो वेयर हाउस है वो एक ही सिटी में बहुत ज़्यादा होते हैं और क्लोज टू द पॉइंट ऑफ डिलीवरी हम बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जो डिलीवरी है वो आसानी से दस से तीस मिनट में यहाँ पर डिलीवर की जा सके तो ऑनलाइन ऑनलाइन रिटेल बेट्स बिग ऑन क्विक कॉमर्स माइक्रो वेयर हाउसेस अंडर थर्टी मिनट डिलीवरी आगे हम चलते हैं यहाँ पर जॉर्ज फ्लाइट की बात की गई तो हम देख लेते हैं तो जॉर्ज फ्लाइट का केस हुआ था 2020 में एक अफ्रीकन अमेरिकन ये जो इंसान था इसको मिनियोपोलिस पुलिस ऑफिसर ने मार दिया था बेसिकली उन्होंने अपना जो नी था उसके गले पर रख दिया था जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था और उसकी डेथ हो गई उसके बाद ब्लैक लाइफ्स मैटर का भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट उठा उठा तो जॉर्ज फ्लॉइड एन अफ्रीकन अमेरिकन वो स्किल्ड बाई मिनियोपोलिस पुलिस ऑफिसर्स ड्यूरिंग एन अरेस्ट इन मे ट्वेंटी ट्वेंटी लीडिंग टू वाइड स्प्रेड आउटरीच अ वीडियो ऑफ द किलिंग उसके बाद ये जो वीडियो किलिंग की ये भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई और लोगों में इसका आक्रोश भी देखने को मिला फिर प्रोटेस्ट हुए ब्लैक लाइफ्स मैटर के अब इंडिया में कहाँ इसकी बात की गई तो स्टेटिंग दैट तो यहाँ पर हाई कोर्ट का ये कहना है जो लॉ है वो परमिट नहीं करता है लोगों को मारा जाए इन द पुलिस कस्टडी इवन ड्यूरिंग इंटेरोगेसन तो इंटेरोगेशन के दौरान भी यहाँ पर लोगों को नहीं मारा जा सकता है और यहाँ पर फिर जॉर्ज फ्लॉइड के, के केस को मैंशन किया गया आगे हम चलते हैं आज यहाँ पर है नेशनल लीगल सर्विसेज डे अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश देने की कोशिश कर रहे हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट का एक प्लान इनिशिएटिव है कि जो स्मॉल शॉप ओनर्स स्मॉल कॉलेजेस और रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं वो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं तो उसके लिए सिंगल विंडो फैसिलिटी अवेल कराई जा रही है कि इंस्टॉलेशन ऑफ़ प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन तो जो भी यहाँ पर पहले तीस सब्सक्राइबर्स होंगे उनको लगभग छः दिए जाएंगे सब्सिडी के तौर पर तो गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ सब्सिडी ऑफ़ रुपीज सिक्स टू द फर्स्ट थर्टी थाउजेंड फॉर द इंस्टॉलेशन और यहाँ पर जो टेरिफ रेट है इलेक्ट्रिसिटी का वो भी कम कर दिया गया फोर पॉइंट फाइव पर यूनिट तो सिंगल विंडो फैसिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो चार्जर्स हैं यहाँ पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं ऑन द है लार्ज स्केल तो ये जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है अगर ऐसे कुछ इनिशिएटिव लिए जाएँ फॉर एग्जाम्पल स्मॉल शॉप ओनर स्मॉल्स ये लोग भी यहाँ पर जो चार्जिंग चार्जर्स है वो इंस्टॉल कर लें तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है आगे हम चलते हैं यहाँ पर डेंगी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है तो हम डेंगी के बारे में एक बार में डिटेल में पढ़ लेते हैं तो डेंगी इज अ मॉस्ूटो बॉन ट्रॉपिकल डिजीज कॉज बाई द डेंगी वायरस जीनस फ्लेवी वायरस तो कौन से वायरस से होता है फ्लेवी वायरस है और ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है तो जीनस एडिस प्रिंसिपली एडिस एजिप्टी तो इस मॉस्क्यटो के द्वारा ये ट्रांसफर होता है और कौन सा वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्लेवी वायरस और कौन सा मस्कीटो एडिस एजिप्टी यही मॉस्किटो और भी डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है जैसे कि चिकनगुनिया येलो फीवर एंड जी का इन्फेक्शन डायग्नोसिस कैसे होता है डेंगू इन्फेक्शन का तो वो होता है ब्लड टेस्ट के थ्रू कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है डेंगू इन्फेक्शन को यहाँ पर ट्रीट करने के लिए अब एक प्रोग्राम है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम इज द सेंट्रल नोडल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ सिक्स वक्टर बॉन्ड डिजीजे तो इस सिक्स वक्टर बॉन्ड डिजीजेस को लेकर काम करती है मलेरिया डेंगू लिम्फेटिक फ्लॉरिसिस कालाजर जैपनीज इंसेफेलटिस एंड चिकन गुनिया इन इंडिया और ये जो नेशनल वक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम है ये किसके अंडर काम करता है तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेर तो अब डेंगी को बैक्टीरिया से कैसे कंट्रोल किया जाता है तो मेन पॉइंट मुझे आपको यही बताना था कि वोलबाचिया बैक्टीरिया से हम यहां पर डेंगू को कंट्रोल कर सकते हैं अब रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम द वर्ल्ड मॉस्कीटो प्रोग्राम हैव यूज्ड विद द वोबाचिया बैक्टीरिया तो यहां पर जो मॉस्कीटो है उनको इन्फेक्ट कर दिया गया था वोलबाचिया बैक्टीरिया से और उसके बाद उनको उस रीजन में छोड़ दिया गया जहां पर जो डेंगू है बहुत ज्यादा प्रोवेलेंट है तो द साइंटिस्ट इन्फेक्टेड सम मस्कीटोज विद वोलबाचिया एंड रिलीज दैम इन द सिटी वेयर द विद्रेड विद लोकल मॉस्किटोज तो यहां पर उन्होंने लोकल मस्कीटो के साथ यहां पर ब्रीडिंग की और उसके बाद जो सारे मस्कीटोज हैं उन सब में

अब यहाँ पर यूपी में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं अभी इसमें कुछ डिटेल में ज़्यादा दिया नहीं है तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे वे तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मैंने कल ही आपको बताया था जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि स्विस कंपनी जूरी इंटरनेशनल को इसका टेंडर मिला है इसके अलावा एम्स बनाया जा रहा है गोरखपुर में मैनुफैक्चरिंग यूनिट इन द झांसी नोट ऑफ ए प्रोपोज डिफेंस कॉरिडोर तो अभी यहाँ पर इलेक्शन आने वाले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अनवील किया जा रहा है तो यूपी पोल्स कमिंग पी सेट टू अनवील प्रोजेक्ट्स वर्थ थीज़ वन लाख करोड़ आगे चलते हैं अब हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे स्टॉप द अरेस्ट मेडनेस अब आर्टिकल ट्वेंटी वन क्या बोलता है तो आर्टिकल ट्वेंटी वन ये बोलता है नो पर्सन शेल बी डिप्राइव ऑफ हज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई द लॉ तो यहाँ पर किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता है अनलेस द प्रोसीजर स्टैब्लिड बाई द लॉ तो यहाँ पर जो प्रोसीजर इस्टैब्लिश बाई लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर किसी इंसान को लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव किया जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार अपनी डायरेक्शन और गाइडलाइंस में ये बोला है जो बेल को ग्रांट करना रूल

उनकी गाइडलाइंस दी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को लगातार अनसुना किया जा रहा है तो इफ़ अ केस इज इवन स्लाइटली सेंसेशनल और केस थोड़ा सा भी सेंसेशनल हो जाता है तो बेसिकली उसे तो बिल्कुल ही जेल में डाल दिया जाता है जो बेल के प्रोविजन्स है वो पूरी तरीके से उसके लिए बंद कर दिए जाते हैं ऐसा पॉसिबल कैसे हो रहा है कि कहीं तो लॉ में लिखा होगा ना कि यहाँ पर जेल देनी चाहिए तभी तो जेल मिल रही है तो बट इट इज टाइम टू सीरियसली कंसिडर वेदर द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग टू मेनी नॉन बेलेबल ऑफेंस तो अभी कंसिडर करने की बात है जो इतने नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं उनको फिर से एक बार हमें रिविजिट करना चाहिए और यहाँ पर जो डिनाइल ऑफ बेल किया जाता है उससे क्या होता है उससे पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो सबसर्व होता है तो जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है बेसिकली हमें उनको डिकमोनलाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टू स्टार्ट विध लॉ इम्पोजिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कंडीशन फॉर द ग्रांट ऑफ बेल हैव टू बी अमेंडेड तो ऐसे लॉज जो कि ऐसी कंडीशन रखते हैं कि जिसमें बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है बेल मिलना उन लॉज को अमेंड करने की ज़रूरत है फॉर एग्जाम्पल सेक्शन फोर्टी फाइव ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट टू थाउजेंड टू अब सेक्शन फोटी फाइव जो पी एम का है वो ये बोलता है कि जज को सेटिस्फाइड होना पड़ेगा दैट देर आर रीजनेबल ग्राउंड अगर जज को ऐसा लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड्स हैं जो अक्यूज है वो गिल्टी नहीं है इस ऑफेंस का और आगे वो ऑफेंस नहीं करेगा अगर उसको बिल दे बेल दे दी जाए तो उसको बेल दी जा सकती तो यहाँ पर सब कुछ जज के ऊपर छोड़ दिया कि अगर उसे ऐसा लगता है अगर वो यहाँ पर सेटिसफाइड है तो सिमिलर कंडीशन एक्जिस्ट इन द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट नाइनटीन एटी फाइव इसके अलावा यू ए पी नाइनटीन सिक्सटी सेवन में ही भी ऐसी कंडीशन की अगर जज सेटिसफाइड हो तो वो बेल दे सकता है तो बारिंग द क्लेयरस्ट ऑफ द केसेज अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द ऑथर हाउ कैन अ जज फ्रॉम द बिलीफ दैट अ पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट एट दिनिशियल स्टेज तो यहाँ पर जज को कैसे पता चल सकता है उसको कोई सपना तो आएगा नहीं कि जो पर्सन है वो गिल्टी है इनोसेंट है एंड और वो भी इनिशियल स्टेज पर आप बोल रहे हो कि प्राइमर फेसि अगर यहाँ पर जज को लग रहा है कि नहीं उसने ऐसा कोई गुना नहीं किया तो उसको बेल दे दी जाए हाउ डज द जज हैव द क्लियर वॉइंस टू प्रेडिक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अक्यूज कमिटिंग एन ऑफेंस वाइल ऑन बेल तो जैसे कि मैंने आपको दूसरी बात बताई कि जज अगर ये सेटिसफाइड है कि अगर इसको बेल दे दी जाए उसके बाद भी वो ऑफेंस नहीं करेगा तो जो जज है वो कैसे पता कर सकता है कि इसको अगर छोड़ दिया जाए तो वो यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ करेगा नहीं ऑफेंस नहीं कमिट करेगा टू प्रेडिक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन कमिटिंग ऑफेंस ऑन बेल अदर एरियाज दैट नीड अर्जेंट रिफॉर्म तो ये रिफॉर्म करने की जरूरत है ये सब आप कुछ जज के ऊपर मत छोड़ो और द आर्क ऑफ फाउंडेशन सिक्योरिटी इन एवरी केस दूसरी बात ये हमारे यहाँ जो टैक्स और इकोनॉमिक ऑफेंसेस है उसको भी यहाँ पर क्रिमिनलाइज कर रखा है तो यहाँ पर जो टैक्स और इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं उनको क्रिमिनलाइज करने की जरूरत नहीं है द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग स्ट्रिंजेंट क्रिमिनल रॉ प्रोविजन इन टैक्स एंड इकोनॉमिक ऑफेंस स्टार्टेड इन नाइनटीन सेवेंटी तो नाइनटीन से ही यहाँ पर शुरू कर दिया गया था जो टैक्स और इकोनॉमिक ऑफेंसेज हैं उनको क्रिमिनलाइज करना एवरी डायरेक्टर और सीनियर एग्जीक्यूटिव वॉज प्रज्यूम टू बी गिल्टी तो हर डायरेक्टर सीनियर एग्जीक्यूटिव को गिल्टी माना जाता था और जो बर्डन उनके ऊपर होता था कि आपको प्रूव करना है कि आप इनोसेंट हो तो ईच अक्यूज प्रज्यूम टू हैव क्रिमिनल है एग्जाम्पल टू जी स्कैम के केस हुआ था कितने सारे एग्जीक्यूटिव को यहां पर जेल में डाल दिया गया था तो दस द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ वॉज टर्न ऑन देयर हेड इन द होप दैट ड्रेकोनियन प्रोविजन अब यहां पर सरकार को क्या लगता है सरकार को ये लगता है कि अगर हम टैक्स ऑफेंस इकोनॉमिक ऑफेंस को क्रिमिलाइज कर देंगे तो लोग जो है वो टैक्स से डरेंगे टैक्स अवॉइडेंस से डरेंगे लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला जस्ट द रिवर्स एज द रिपीटेड समाधान एंड एम स्कीम्स प्रूफ लेकिन ऐसा देखा गया कि आगे फॉर एग्जाम्पल विवाच विश्वास क्यों लेकर आते हैं क्योंकि यहां पर जो सरकार है बाद में सरकार को भी एमनेस्टी प्रोविजन की तरफ ही जाना पड़ता है क्योंकि जो ड्रिकोनियन लॉस बना रखे वो कोई प्रूफ नहीं हो रहे हैं वो ऐसा नहीं हो रहा कि बहुत सक्सेसफुल है और, और इसकी वजह से यहाँ पर टैक्स रिवजन रुक गया नहीं टैक्स रिविजन नहीं रुका है द अनचेक टेंडेंसी ऑफ अरेस्टिंग सीनियर बैंक ऑफिशर्स यहाँ पर देखा गया अगर कोई भी स्कैम हो जाता तो बैंक ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया जाता कंपनी एग्जीक्यूटिव को कर लिया जाता है सिविल सर्वेंट्स को यहाँ पर उसकी वजह से क्या होता है उसकी वजह से पॉलिसी पैरालिसिस होता है ये जो सीनियर बैंक ऑफिशियल्स है ये यह लोग यहाँ पर कोई भी पॉलिसी को आगे अप्रूवल देने से डरने लगते हैं उनको ये लगता है कि सी बी सब लोग उनके ऊपर कैमरा लेकर आ जाएंगे कि बताओ आपने ऐसा क्यों कर दिया आपने ये लोन क्यों पास कर दिया आपने ऐसे डिसीजन कैसे दे दिया तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग इन कंप्लीट वॉयलेन ऑफ रिपीटेड एंड मंडेट्री डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इट इज़ अ डेवस्टेटिंग एंड चिलिंग इफेक्ट्स ऑन द डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस एंड बैंक्स एंड अर इंस्टीट्यूशन तो अगर आप एग्जीक्यूटिस् को ऐसे ही अरेस्ट करते रहे किसी भी इकोनॉमिक ऑफेंस हो जाता है तो उसकी वजह से पॉलिसी पैरालिस होता है टू जी स्कैम में ये देखा कि लगभग डजन सीनियर एग्जीक्यूटिव को जेल में रखा कि लगभग बारह महीने से भी ज़्यादा बाद में उनको छोड़ दिया गया अब उसके लिए गवर्नमेंट आके क्या कर करिए इन डीप देर इज नो एविडेंस दैट द प्रैक्टिस ऑफ रिफ्यूजिंग बेल और ऐसा भी कोई एविडेंस नहीं है कि अगर आप लोगों को बेल नहीं दे रहे हो तो उसकी वजह से सोसाइटी में लोग डरने लग गए हैं और क्राइम का इंसिडेंट्स कम हो गया तो ऐसा भी देखने को नहीं मिला ऑन द कंट्रेरीज इसकी वजह से क्या हुआ आप ज़्यादातर लोगों को जेल में डाल दे तो उसकी वजह से यही हुआ कि जो सत्तर परसेंट प्रिजनर्स है वो आज अंडर ट्रायल की स्टेज में है और अंडर ट्रायल की स्टेज में अभी उनका जो गुना है वो साबित भी नहीं हुआ है वो कन्विक्टेड हुए भी नहीं है उसके बाद भी लेकिन सोसाइटी उनको कैसे ट्रीट करती है कि वो गिल्टी हैं दो सैड रियलिटी इज दैट एवरी अंडर ट्रायल इज ट्रीटेड एज गिल्टी अनटिल ही प्रूव्स इज इनोसेंस बाय गेटिंग एन एक्विटल फिर यहाँ पर अब गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले रही फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कंपनीज एक्ट दो में कुछ अमेंडमेंट किए गए और यहाँ पर कुछ प्रोविजन को डीक्रमोलाइज किया गया तो काफ़ी अच्छा है स्टेप है कि यहाँ पर कुछ प्रोविजन को डी किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो नोटिस लिया था

एफॉर्ड नहीं कर पाते उनके पास बहुत कम एक्सेस होती है ऐसे लीगल असिस्टेंस की देर इज ऑल्सो एन एक्सट्रीमली अर्जेंट नीड फॉर द सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट टू सेंड क्लियर सिग्नल्स टू कोर्ट तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यहाँ पर जो लोअर जुडिशियरी है उसको क्लियर सिग्नल्स भेजने की जरूरत है कि वो बेल दे सकते हैं बेल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर उन्होंने बेल दी तो आगे उनके करियर प्रॉस्पेक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है तो वॉट फेटल रिजल्ट वुड है वर आज नॉट टू लिव द कंट्री एंड रिपोर्ट डेली फॉर इन्वेस्टिगेशन तो आप यहाँ पर जेल में डालने की बजाय क्या कर सकते हो उनको बेल दे सकते हो बस आप उनको ये बोल सकते हो कि जब इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हो आप तब यहाँ पर हाजिर हो जाना और बाकी आपको कंट्री छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है सिर्फ आप इतनी बात बोलकर उनको बेल दे सकते हो बट मेकिंग एन अरेस्ट एट द एफ आई आर स्टेज तो अगर आप एफ आई आर स्टेज पर ही यहाँ पर अरेस्ट कर लेते हो तो उसकी वजह से जो पर्सन की रेपुटेशन है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है और उसकी वजह से जो पर्सन है वो पूरी तरीके से लाइफ के लिए स्कार्ड हो जाता है तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आ गया हो ये आर्टिकल इस बारे में है कि बहुत ज़्यादा जो वहाँ पर ये होना चाहिए कि जो जेल है वो एक्सेप्शन होना चाहिए और बेल प्रोविजन होना चाहिए लेकिन हमारे देश में देखा जा रहा है जो जेल है वो प्रोविज़न बन चुका है और जो बेल है वो एक्सेप्शन बन चुका है तो यहाँ पर हमें लॉस के तहत एक्ट्स के तहत कुछ प्रोविजन को डीक्रिमलाइज़ करने की ज़रूरत है इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पॉजिटिव स्टेप लिया भी है गवर्नमेंट ने कंपनीज़ एक्ट दो को दो में अमेंड करके कुछ प्रोविजन को डीक्रिमोलाइज़ किया है तो यहाँ पर ऐसे ही हमें एनडीपीएस एक्ट में प्रोविजन को डीक्रमलाइज करने की जरूरत है यूएपीए में डीक्रमलाइज करने की जरूरत है और इसके अलावा जो टैक्स और इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं उनको तो पूरी तरीके से डीक्रमलाइज कर देना चाहिए आगे हम चलते हैं यहाँ पर यूरेशिया अपॉर्चुनिटी तो ये आर्टिकल लिखा गया सी राजा मोहन अब दिल्ली ने जैसे यहाँ पर फोकस किया था इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को हम एकदम सेंटर पर लेकर आ गए यहाँ पर यूरोपियन यूनियन भी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की -स्ट्राट बात करता है यूएसए भी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी की बात करता है ऑस्ट्रेलिया भी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटी की बात करता है वैसे ही हमें अब यूरेशियन पॉलिसी के ऊपर फोकस करना है तो डेली इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी हैज एक्वायर्ड पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रैक्शन थैंक्स टू इंटेंसिव इंडियन डिप्लोमेसी इन रिसेंट ईयर्स तो अब हमें इतना ही डिवोशन और इतना ही एनर्जी दिखानी यूरेशियन पॉलिसी को लेकर तो जैसे इंडो पैसिफिक पॉलिसी जरूरी है हमारी मेरीटाइम जियो पॉलिटिक्स के लिए वैसे ही यूरेशियन पॉलिसी जरूरी है हमारे इंडिया की कॉन्टिनेंटल स्ट्रैटी को लेकर तो अगर हम कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं तो हमें यूरेशियन पॉलिसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है अब यूरेशन पॉलिसी में क्या क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग कर रहे हैं अफगानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर तो ये भी हमारी यूरेशन स्ट्रेटजी का ही पार्ट है तो दिस वीक्स कंसल्टेशन इन डेली ऑन द क्राइसिस इन अफगानिस्तान अमंग द रीजन टॉप सिक्योरिटी पॉलिसी मेकर्स फॉलोइंग द यूएस विद्रॉल तो ये भी हमारी यूरेशन स्ट्रेटजी का ही पार्ट है दूसरी बात पाकिस्तान ने यहाँ इस मीटिंग में आने से मना कर दिया चाइना ने भी मना कर दिया शेड्यूलिंग इश्यूज बता के बट इट ऑल्सो री इसके बाद हमें और ज़रूरत है कि हम अपनी यूरेशियन यूरेशिया को लेकर एक इंडियन स्ट्रेटी को लेकर आए आफ्टर ईयर्स ऑफ सेल्फ डाउट यहाँ पर डेली ने एक इंडो पैसिफिक पॉलिसी बनाई पहले हमने इंडो पैसिफिक के मुद्दे को कभी इतना उठाया नहीं लेकिन बाद में जब इंडो पैसिफिक मुद्दे को हम बिल्कुल सेंटर स्टेज में लेकर आए गए सारी कंट्रीज़ यहाँ पर इंडो पैसिफिक के बारे में बात करने लगी वैसे ही हमें यूरेशिया को भी सेंटर स्टेज पर लेकर आने की ज़रूरत है एस इन द इंडो पैसिफिक अब इंडो पैसिफिक Pacific, जो है वो क्लियर नहीं है कि इंडो पैसिफिक एरिया क्या है वैसे ही यूरेशिया को भी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि यूरेशिया में कौन कौन आता है कौन कौन से कंट्रीज आते हैं तो देर इज नो शेयर कॉन्स्टिट्यूट द रीजन लेकिन उसके बाद कुछ एग्री डेफिनेशनस हो जाती है फॉर एग्जाम्पल पर इंडो पैसिफिक की बात की जाती है तो यहाँ पर यह मान लिया गया है, जो ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेकर सेंट्रल पैसिफिक तक पूरा पार्ट इंडो पैसिफिक में है आता है वैसे ही यूरेशिया किसको माना जाता है जो टेक्टोनिक प्लेट यूरोप और एशिया के नीचे है तो वो यूरेशिया के नाम से रेफर की जाती है तो यूरेशिया इज द नेम ऑफ अ टेक्टोनिक प्लेट दैट लाइज अंडर मच ऑफ वॉट वी नोन एज यूरोप एंड रशिया लेकिन रशिया की डेफिनेशन थोड़ी अलग है रशिया चाहता है जो फॉर्मर टेरेट्रीज हैं सोवियत यूनियन की उसको भी यूरेशिया में कवर किया जाए तो इन रशियाज़ डेफिनेशन यूरेशिया कवर्स द फॉर्मर टेरिटरीज ऑफ द सोवियत यूनियन विच लेब्ज नाइन नाइन इसके अलावा इंडिया को जो मुस्लिम सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया इन दोनों एरिया को मिलाकर ग्रेटर मिडिल ईस्ट के नाम से रेफर किया जाता है तो इंडिया को इन सारे रीजन के साथ एक स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है फॉर एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यूरेशिया को लेकर जो है वो ये है कि चाइना के जो राइज है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है चाइना अपनी असर्टिवनेस दिखा रहा है इकोनॉमिक पावर एक्सपेंड कर रहा है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा और चाइना का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि चाइना इस एरिया के बहुत ज़्यादा पास है बीजिंग अपना जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है भूटान और इंडिया के साथ तो वहाँ पर बहुत ही मस्कुलर अप्रोच को लेकर चल रहा है इसके अलावा यहाँ पर जो बीजिंग है वो चाहता है कि ताजिकस्तान में इसको एक सिक्योरिटी प्रेजेंस मिल जाए बीजिंग लार्जर रोल प्ले करना चाहता है अफगानिस्तान में तो वर्ल्ड के लिए सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी है और इसके अलावा फिजिकल प्रोसीमिटी है चाइना की इन रीजन के साथ जिसकी वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट और ज़्यादा देखने को मिल रहा है आगे हम चलते हैं इसके अलावा यहाँ पर चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है तो जिसकी वजह से सेंट्रल एशिया और रशिया के लिए चाइना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है और यहाँ पर यूएसए और रशिया के बीच के टाइज अच्छे नहीं है जिसकी वजह से जो रशिया है वो चाइना की तरफ जा चुका है तो रशियाज़ इंट्रैक्टेबल डिस्प्यूट्स विद यूरोप एंड अमेरिका हैव इनक्रीज मॉस्कोज रिलायंस ऑन बेजिंग तो यहाँ पर जो रशिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा चाइना के ऊपर डिपेंड होने लग गया और उसके पार्ट में जाने लग गया है इसके अलावा चाइना से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे थे इंडो पैसिफिक मेरी डोमेन में जिसकी वजह से वॉशिंगटन को लगा कि हमें अफगानिस्तान से बाहर आ जाना चाहिए और यहाँ पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंडो पैसिफिक पर तो द यू एस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान इज़ जस्ट द बिगनिंग ऑफ ए लॉन्ग ओवर ड्यू रीडेफिनेशन ऑफ यूएस ग्लोबल स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ तो हमें यूएस की ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रायोरिटीज में ये पता चल रहा है जो यूएस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है यहाँ पर इंडो पैसेफिक मेरी टाइम डोमेन पे इसके कारण ही यहाँ पर जो यूएस है वो अफगानिस्तान से बाहर आ गया यूरोप मस्ट नेसेसरली टेक ऑन अ लार्जर रीजनल यूरेशियन सिक्योरिटी रोल अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दर जो यूरोप है उसको फोकस करना चाहिए जो यूरेशन का सिक्योरिटी रोल है वो यूरोप यहाँ पर कोशिश करे कि जो इस्टेब्लिश किया जा सके कि यूरेशियन सिक्योरिटी रूल इंडिया कैसे यहाँ पर डील करता है यूरेशिया से तो इंडिया बेसिकली सारी कंट्रीज से अलग अलग डील करता है लेकिन अब जरूरत है कि हम एक पूरी यूरेशिया पॉलिसी बनाएं तो वो डेली नाउ नीड्स इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू यूरेशिया जैसे कि इंडो पैसिफिक के बारे में हमने अप्रोच बनाई वैसे ही हमें सारे कंट्रीज़ के साथ यहाँ पर सिलॉज में डील करने की जरूरत नहीं है अगर हम एंशियंट सिविलाइजेशनल लिंक्स देखें यूरेशिया के तो हमारे बहुत पुराने लिंक्स हैं यूरेशिया के साथ फॉर एग्जांपल संगा और श्रेणी द बुद्धिस्टैरा के बीच में जो कोलैबोरेशन था उसके बाद बुद्धिज्म के डिक्लाइन के बाद हम इनवर्ट ओरिएंटेड हो गए लेकिन उसके बाद भी जो सेंट्रल एशियन फोर्सेस है वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आते रहे उसके बाद जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया सेंट्रल एशिया में इंडिया का इन्फ्लुएंस देखने को मिला ब्रिटिश राइवलरी विद रशिया ड्यूरिंग द ग्रेट गेम फिर ग्रेट गेम की जहां पर अफगानिस्तान की सिचुएशन आ जाती तो वहां पर भी इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशन रही पार्टीशन की वजह से जो इंडिया है वो थोड़ा डिसकनेक्ट हो गया इनर एशिया से तो द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड एशियाज फिजिकल डिस्कनेक्टेडनेस फ्रॉम इनर एशिया हाउ एवर इंडिया कट कट इंडिया ऑफ फ्रॉम यूरेशियन एशियन टिक्स तो यहाँ पर पार्टीशन के बाद जो इंडिया है वो थोड़ा कट हो गया इनर एशिया से अब हम क्या कर सकते हैं तो यहाँ पर ऑथर ने बेसिकली तीन चीज़ें बताई हैं जो हमें करने की ज़रूरत है पहली ये कि हमें यूरोप को वापस से इंडिया के कॉन्टीनेंटल कैलकुलस में लाने की जरूरत है इंडिपेंडेंस से पहले भी हमारे बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर यूरोप में जाते थे जब ब्रिटिश कॉलोनलिज्म से लिब्रेशन की बात आती थी तो यहाँ पर भी वापस से हमें यूरोप के साथ कोलाबरेट करने की ज़रूरत है इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा देखा गया जो डेली है वो मॉस्को की तरफ ज़्यादा चला गया हम रशिया की तरफ ज़्यादा चले गए और हमने यूरोप से स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस बना ली कि हमने यूरोप को बेसिकली यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया और यहाँ पर हम ज़्यादा तरफ चले गए मॉस्को के तो यहाँ पर जरूरत है हमें बात करनी चाहिए यूरोप से कि आपको एक यूरेशियन सिक्योरिटी पॉलिसी यूरोप के पास होनी चाहिए दूसरी बात ये इंडिया की जो यूरेशियन पॉलिसी होनी चाहिए उसमें हमें दोनों के साथ इंगेजमेंट बना कर रखना है यूरोपियन यूनियन के साथ भी और नेटो के साथ भी सेकेंड बात यह है कि हमें यूरेशन सिक्योरिटी के बारे में रशिया के साथ भी डायलॉग को इंटेंसीफाई करना हमें रशिया को बिल्कुल अलग नहीं छोड़ देना अगर हम रशिया को बिल्कुल अलग छोड़ देंगे तो वो बेसिकली वो चाइना की तरफ चले जाएंगे तो हमें रशिया के साथ भी डायलॉग बनाकर रखना है वाइल इंडो रशियन डिफ्रेंसेज अब जो इंडो पैसिफिक हमारी स्ट्रेटजी है तो इंडो रशिया के डिफ्रेंसेज हैं लेकिन हम यहाँ पर इंडो जो यूरेशियन पॉलिसी है उसमें हम रशिया से बातचीत कर सकते हैं क्योंकि अफगानिस्तान का जो थ्रेट है वो दोनों कंट्रीज़ को रशिया को भी इंडिया को भी है तो डेरी एंड मॉस्को हैव गुड रीजंस टू तो नैरो द डिफरेंसेस ऑन अफगानिस्तान एंड वाइडन कोऑपरेशन कॉपरेशन कॉन्टीनेंटली यूरेशियन सिक्योरिटी तीसरी बात ये कि हमें पर्शिया और अरेबिया से भी कोलाबरेट करने की जरूरत है अगर हम पर्शिया से कोलाबोरेट करेंगे तभी जो टर्की और पाकिस्तान अलायंस बनाकर बैठे हैं तो हम टर्की और पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं तो द रिलीजियस इन्फ्लुएंस ऑफ अरेबिया एंड द वेट ऑफ द गल्फ कैपिटल कैप्टल क्वाइट कॉन्सिक्वेंशियल इन द रीजन इंडियाज पार्टनरशिप विद परशिया एंड अरेबिया आर ऑल्सो क्रिटिकल अगर हमें टर्की की जो अलायंस है पाकिस्तान को उसको काउंटर करना है क्योंकि जो टर्की और पाकिस्तान की अलायंस है वो काफी होस्टाइल है टुवर्ड्स द डेली तो बेसिकली इस आर्टिकल में ये बताया गया कि हमें यूरेशिया अपॉर्चुनिटी के ऊपर कैसे फोकस करना है जैसे हमने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटी के ऊपर फोकस किया वैसे ही हमें यूरेशिया पॉलिसी को अब सेंटर स्टेज पर लेकर आना है अब यूरेशिया स्ट्रैटी में क्या क्या था तो अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है उसके अलावा यहाँ पर यूरेशियन स्ट्रैटजी के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है चाइना चाइना क्या कर रहा है चाइना अपनी असर्टिवनेस को यहाँ पर दिखा रहा है इसके अलावा चाइना के वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना चाइना और रशिया काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हैं एलाइज बन गए हैं तो यहाँ पर जो मॉस्को वो ज्यादा से ज़्यादा चाइना के ऊपर डिपेंड होता जा रहा है तो हमें तीन चीज़ें करने की ज़रूरत है और वो तीन चीज़ें क्या सबसे पहले हमें जो यूरोपियन यूनियन और नेटो है उसके साथ कोलेबरेट करने की जरूरत है दूसरी बात हमें यहाँ पर रशिया से भी बात करने की जरूरत है और तीसरी बात यहाँ पर हमें अरेबिया और अरेबिया और पर्शिया दोनों के साथ कोलैबोरेशन करने की जरूरत है अगर हमें जो टर्की और पाकिस्तान के बीच का जो कोऑर्डिनेशन और जो उसको अगर हम काउंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर जरूरत है कि हम यहाँ पर तीनों जगह से कोलैबोरेट करें पर्शिया और अरेबिया से भी कोलैबोरेट करें उसके अलावा रशिया से भी कोलैबोरेट करो और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन और नेटो के साथ भी कोलैबोरेट करें और इसके अलावा हमें यूरोपियन यूनियन को ये बोलना है कि आपको एक अपनी यूरेशियन सिक्योरिटी पॉलिसी आपकी होनी चाहिए और बाकी इंडिया की जो यूरेशिया के साथ टाइज़ हैं वो काफ़ी एंशंट सिविलाइजेशनल टाइज़ हैं यहाँ पर जो बौद्ध संघ और श्रेणी के जो टाइज़ हैं वो बहुत पुराने हैं आगे हम चलते हैं तो इंडिया रेजेस फाइनेंस कंसर्न एस कॉप ट्वेंटी सिक्स इंटर सेकेंड वीक तो इंडिया ने बेसिकली यही बोला कि आपको हंड्रेड बिलियन डॉलर्स देने थे वो तो आपने दिए नहीं दो से उसके बाद आपने डेडलाइन और ज्यादा आगे बढ़ा दी कि आप दो से देंगे तो फेलियर टू तो अरेंज इवन दैट मनी रेजे क्वेश्चन ओवर द कमिटमेंट तो यहां पर जो क्वेश्चन राइज होता है जो डेवलप्ड कंट्रीज कमिटमेंट देते हैं वो उसको कितना फुलफिल करेंगे केवटो प्रोटोकॉल में भी जो इन्होंने कमिटमेंट्स दिए थे रिडक्शन टारगेट वो भी इन्होंने फुलफिल नहीं किए जब इनको ये पता चल गया कि कोई पीनल प्रोविजन तो लगने वाले हैं ही नहीं तो क्यों फुलफिल करें तो ना केवडो प्रोटोकॉल के इन्होंने प्रोविजन फुलफिल किए ना ये लोग फाइनेंस के प्रोविजन फुलफिल कर रहे हैं और यहां पर हम अपने लगातार क्लाइमेट एम्बिशन बढ़ा रहे हैं इंडिया क्लाइमेट ग्लोबल लीडर बनता चला जा रहा है लेकिन ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये अपने को फुलफिल नहीं कर रहे तो इंडिया ने स्टेटमेंट दिया था ऑन ऑन द द बिहाफ ऑफ बेसिक बेसिक तो में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं ब्राजील साउथ अफ्रीका इंडिया चाइना तो इंडिया ने बेसिकली यही बोला था कि ये जो डेवलपिंग वर्ल्ड है ये तो बहुत सीरियस है लेकिन ये जो डेवलप्ड वर्ल्ड है ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और जो ये फाइनेंसिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा है बाकी यहाँ पर किन किन को यहाँ पर पद्म पद्मा मिले तो सुषमा स्वराज पद्म विभूषण अरुण जेटली पद्म विभूषण इसके अलावा जॉर्ज फर्नांडिस पद्म विभूषण मोहम्मद शरीफ सोशल वर्कर इनको पद्मश्री मिला फॉर्मर साइकिल मैकेनिक हु लास्ट राइट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अनकलेम्ड बॉडीज फिर हरे काला हजब्बा फ्रूट वेंडर जिन्होंने एक स्कूल बिल्ड किया था मनी को सेव करके फिर यहाँ पर रानी रामपाल और यहाँ पर कंगना रनौत आगे चलते हैं अब यहाँ पर क्या हुआ है कि कुछ स्टेट्स ने जनरल कंसेंट विदड्रॉ कर ली है सीबीआई के लिए अब जनरल कंसेंट विदड्रॉ कर ली तो उसकी वजह से सीबीआई को कोई भी यहाँ पर केस प्रूव करना होता है तो स्टेट से स्पेसिफिक कंसेंट लेनी पड़ती है उस केस के लिए तो ऐसा देखा जा रहा है जो स्टेट है वो स्पेसिफिक कंसेंट देने में काफ़ी टाइम लगा रहे हैं जिसकी वजह से डीले हो रहा है तो एक्सप्रेसिंग कंसर्ट ओवर रिक्वेस्ट बाय द सी सीकिंग स्पेसिफिक सेंक्शन टू प्रोव केसेस पेंडिंग विद एट जजेज विच हैवड्रॉन जनरल कंसेंट टू द एजेंसी तो सुप्रीम कोर्ट से ऑन मंडे दैट इट इज नॉट अ डिजायरेबल पोजीशन तो यहाँ पर बोला गया कि इनको जल्दी से जल्दी कंसेंट देनी चाहिए पहले तो इन स्टेट्स ने जनरल कंसेंट दे रखी थी लेकिन पिछले दो सालों में काफ़ी सारे स्टेट्स ने यहाँ पर जनरल कंसेंट विद्रॉ कर लिया है फ्रॉम द सी बी आई अब यहाँ पर डिफेंस सेक्रेटरी ने क्या क्या बातें बोली हैं तो इंडिया विल कंटिन्यू टू अपोज एनी नेशन अटेम तो हम अपोज करेंगे अगर कोई भी नेशन यहाँ पर एग्रेशन करने की कोशिश करेगा फिर भले वो लैंड डोमेन में हो या तो मेरी टाइम डोमेन में हो और यहाँ पर इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि हम ये देख रहे हैं जो कन्वेंशनल नेवी की प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ाई जा रही है पैसिफिक ओशन में साउथ चाइना सी में तो उसकी वजह से एक तरीका का आर्म्स रेस शुरू हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल इसने बीस सबमरीन्स बना ली तो अब हम भी बीस सबमरीन्स बना लेते हैं तो ये आम रेस नहीं होना चाहिए दूसरी बात ये इंडिया कोशिश करेगा रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए स्टैंड करने के लिए इंडिया विल कंटिन्यू टू अपोज अटेम्प्ट्स ऑफ एग्रेशन तो, तो यहाँ पर कोई भी एग्रेशन करने की कोशिश करेगा तो इंडिया उन अटेम्प्ट्स को अपोज करेगा इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है इन्फॉमेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन तो जो भी मेरीटाइम कंट्रीज है मेरीटाइम नेबर्स और इंडिया के साथ वो फ्रेंडली पार्टिसिपेशन चाहते हैं तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन्फॉमेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन साथ ही जो इकोनॉमिक प्रॉस्पैरिटी और जो मेरीटाइम सिक्योरिटी है वो इंटरलिंक्ड है एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है आगे हम चलते हैं अब इनका टर्म खत्म होने वाला है चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग का सेकेंड फाइव ईयर टेन आवर जो है इनका नेक्स्ट ईयर ख़त्म हो जाएगा तो अभी अपना थर्ड टेन और स्टार्ट करेंगे तो बस अभी थर्ड टेन और स्टार्ट करेंगे बाकी कल हमने पढ़ी लिया कि सारी पावरफुल पोजिशन इन्हीं ने होल्ड कर रखी है तो जैसे रोम के राजा नहीं होते तो उस टाइप की सारी पोजीशन इनके पास है इंपॉर्टेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सी चेयरमैन ऑफ द पावरफुल सेंट्रल मिलिट्री कमीशन तो सारी मेन पोजीशंस इन्होंने ही होल्ड करके थ्री पावर सेंटर्स अब यहाँ पर सैटेलाइट इमेजेस शो चाइना बिल्ट मॉकअप्स ऑफ यू एस वॉरशिप्स तो यहाँ पर देखा गया जो यू एस वारशिप्स के यहाँ पर चाइना ने मॉकअप्स बिल्ड किए और प्रैक्टिस कर रहे थे अब ये इस मारे प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि इनको ये लग रहा होगा कि आगे कोई फ्यूचर नेवल क्लैश हो सकता है तो सेटेलाइट इमेजेस शो चाइना हैज़ बिल्ट मॉकअप्स ऑफ अ यूएस नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर एंड डिस्ट्रॉयर इन इट्स नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट पॉसिबली फॉर प्रैक्टिस फॉर अ फ्यूचर लेवल अब यहाँ पर एक डेजर्ट का नाम आया जो कि चाइना में ही है तो टकला मकान डेजर्ट कंट्री इन द जिंजंग रीजन तो टकला मकान डेजर्ट कहाँ पर है तो ये चाइना में है आगे हम चलते हैं जो वोंग येपिंग है ये पहली चाइनीज़ वुमेन हो गई हैं जिन्होंने स्पेस वॉक किया है तो चाइनीज मिलिट्री पायलट वोंग येपिंग स्क्रिप्टेड हिस्ट्री ऑन मंडे वेन शी बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट वुमन एस्ट्रोनॉट तो टू अंडरटेक टेक अ स्पेस वॉक एज शी तो मूव्ड आउट ऑफ चाइनाज अंडर कंस्ट्रक्शन स्पेस स्टेशन तो, तो जो चाइना का अंडर कंस्ट्रक्शन स्पेस स्टेशन है बेसिकली उससे बाहर निकल के इन्होंने स्पेस वॉक किया अब जो चाइना का स्पेस स्टेशन का कोर मॉड्यूल है उसका नाम है तिहाने इसके अलावा चाइना ने लॉन्च किया था शेंजाउ थर्टीन स्पेसशिप और वहाँ पर ही इन एस्ट्रोनॉट्स को भेजा लगभग छह महीने के लिए और इसमें ये जो चाइनीज वुमेन है इन्होंने स्पेस वॉक किया तो सबसे पहली वुमेन जिन्होंने स्पेस वॉक किया वो थी स्फेथ लेना सवित तो वेन कॉस्मोनॉट स्फेथ लेना सवित्सकाय बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू तो वॉक इन स्पेस आगे चलते हैं अब इंडिया की सबमरीन स्ट्रेंथ कैसी है तो करेंटली इंडिया के पास फिफ्टीन कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं डीजल सबमरीन तो फिफ्टी कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जिसको एस एस केज से क्लासीफाई किया जाता है और हमारे पास सिर्फ एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है जिसको एस एस बी एन से क्लासीफाई किया जाता है तो जो हमारे पास कन्वेंशनल डीज़ल इलेक्ट्रिक सबमरीन एस एस केज हैं उसमें से चार हैं शिशुमर क्लास की जो कि हमने जर्मन की हेल्प हल, से बनाई है और कुछ वहाँ से खरीदी थी विच वर बॉट एंड देन बेल्ट इन इंडियन कोलेब्रेशन विद द जर्मन उसके बाद हमारे पास आठ हैं किलो क्लास सबमरी जिसको सिंधु घोष क्लास ब्रॉड बोलते हैं जो कि हमने रशिया से ली हैं तो अभी शिशुमर क्लास हमने जर्मनी से ली हैं किलो क्लास हमने रशिया से ली हैं इसके अलावा जो तीन है कलवारी क्लास स्कॉर्पियन सबमरीन वो हमने इंडिया में ही बनाई है लेकिन फ्रांस के नेवल ग्रुप की हेल्प से बनाई है तो यहाँ पर तीन क्लास हमें पता चलेगा शिशुमर क्लास जो कि हमने जर्मन से ली है उसके बाद किलो क्लास या सिंधु वोश क्लास जो कि हमने रशिया से ली है और तीसरी यहाँ पर कालवारी क्लास जो कि इंडिया ने ही बनाई है लेकिन यहाँ पर फ्रांस के नेवल ग्रुप की हेल्प से बनाई है इसके अलावा आई अरिहंत यह है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और ये हमने इंडिजीनियसली बिल्ट किया तो आई एन एस अरिहंत हमने इंडिजीनियसली बिल्ट किया है उसके बाद हमने इसका एक अपग्रेडेड वर्जन आई एन एस अरीघात ये भी हमने इंडिजीनियसली बिल्ट किया है और आने वाले कुछ महीनों में अपग्रेड होकर यहाँ पर कमीशन हो जाएगा अब हिस्ट्री क्या रही है इंडिया की सबमरीन एक्विजिशन की तो इंडिया को पहली सबमरीन इंडिया ने आई एन एस कलवारी फॉक्सटॉक्ट क्लास की यू एस आर से ली थी सोवियत यूनियन से ली थी 1967 में उसके बाद हमने 1970 1969 में इसकी चार और ली तो आई एन कलवारी ही क्लास की हमने चार और सम ली और इनको हमने 1971 सेवेंटी वन वॉर जब पाकिस्तान के हुआ था तब हमने इसको यूज़ भी किया था 1974 के बाद इंडिया ने एक डेकेट तक कोई भी सबमरीन नहीं ली फिर नाइन्टीन में हमने टाइप टू जीरो ली वेस्ट जर्मनी से फिर उसके बाद 1986 से 1992 में इंडिया ने लगभग आठ समेरीन्स ली फ्रॉम द यूएसएसआर और दो ली जर्मनी से बाकी बस आपको ये पता होना चाहिए कि सिंधु घोष कहाँ से ली थी यहाँ पर सारे नाम मेंशन है सिंधु घोष इसके अलावा शिशुमर तो ये सब आपको पता होना चाहिए कलवारी क्लास सम बाकी हमने आई सिंधुवीर एक सममरीन म्यांमार को गिफ्ट भी किए अब हमारा एक प्लान है कि हमें मॉडर्नाइजेशन करना है सबमरीन का कंस्ट्रक्शन तो उसके लिए हमने थर्टी ईयर प्लान बनाया था 2000 से लेकर 2030 तक दो प्रोजेक्ट के अंदर ये किया जाएगा उन प्रोजेक्ट्स का नाम था प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75 आई ठीक है इसमें लगभग हम चाह रहे थे कि चौबीस सबमरीस बन जाए तो थर्टी ईयर प्लान एंटिसिपेटेड एट इंडिया वुड गेट द ट्वेल्व न्यू सबमरीन्स बाय पाई दो हज़ार बारह से पंद्रह और सब्जी क्वेंटी हम बारह खुद से बना लेंगे दो हज़ार तीस तक और हमारा जो सबमरीन हो जाएंगे लगभग हमारे पास चौबीस सबमरीन हो जाएंगे लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट था पी सेवेंटी फाइव का जो हमने ये शुरू किया था थर्टी ईयर प्लान दो हज़ार से लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ वही दो हज़ार पाँच में साइन हुआ तो यहीं पर हम लेट हो गए पी सेवेंटी फाइव प्रोजेक्ट के लिए हैज़ डिलीवर्ड थ्री कलवारी क्लास स्कॉर्पियन तो पी सेवेंटी फाइव में अभी तक सिर्फ तीन ही कलवारी क्लास जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स है वो छः बिल्ट हुए लेकिन जो तीन है वही अभी तक सोफा डिलीवर हो पाई है पी सेवेंटी फाइव जो आई प्रोजेक्ट है वो तो अभी इस जुलाई में यहाँ पर टेक ऑफ किया है तो हम बहुत पीछे लगे बेसिकली दो हजार में जहाँ पर शुरू होना चाहिए आज दो हजार इक्कीस आ चुकी है अब इंडिया के लिए वरी क्यों इंडिया को क्यों चाहिए सब तो जो चाइना है उसकी मेरी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है चाइनाज आर गोइंग टू बी पोजिशनिंग अ लॉट मोर शिप्स एंड इन द इंडियन ओशन इसके अलावा चाइना ने पाकिस्तान को आठ सम और ऑफ फोर डिस्ट्रॉइड्स दे रखे हैं अगर कभी वॉर होता है तो जो चाइना है जो यहाँ पर पाकिस्तान को सम और ऑफ दे रखे हैं वो प्रॉक्सी की तरह यूज़ कर सकता है अगेंस्ट इंडिया तो हमें जल्द से जल्द पी और पी आई प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने की जरूरत है अब यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन के ऊपर क्यों ज्यादा फोकस किया जाता है तो न्यूक्लियर जो सबमरीन होते तो हैं उनके पास इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है कि वो डाइव रह सकती है क्योंकि वो बैटरीज के द्वारा प्रोपेल नहीं होती तो उनको बार बार बाहर निकलने, बार निकलने की जरूरत नहीं होगी उनको बाहर तभी निकलने की जरूरत होती है जब यहाँ पर क्रू के लिए फूड की जरूरत होती है यह सप्लाईज़ को रिप्लेनिश करने की जरूरत होती है इसीलिए यहाँ पर जो कंट्रीज चाहते हैं कि उनके पास न्यूक्लियर सब हो क्योंकि वो बहुत टाइम तक डाइव रह सकती हैं अब इंडिया के पास कितनी है तो इंडिया इज़ अमंग द सिक्स नेशन दैट हैव न्यूक्लियर सबमरीन्स तो इंडिया उन छह नेशंस में जिनके पास यहाँ पर न्यूक्लियर सब मरीन्नस हैं तो यूएस यूके रशिया फ्रांस फ्रांस एंड सिर्फ इनके पास ही बाकी और न्यूक्लियर सबमरीन है बाकी ऑस्ट्रेलिया को ऑकस के अंदर यहाँ पर यूएस प्रोवाइड करने वाला है न्यूक्लियर सबमरीन तो इंडिया को पहली न्यूक्लियर सबमरीन 1987 में मिली थी सोवियत नेवी से जिसका नाम हमने आई चक्रा रखा था फिर उसके बाद हमने एक लीज़ पर भी ली थी लेकिन वो लीज़ का टाइम खत्म हो गया आइएस चक्रा टू और वो हमने वापस भेज दी फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि बारह सबमरीन्स बिल्ड करेंगे इंडिजीनियसली लेकिन ये सारी होंगी न्यूक्लियर सबमरीन्स तो पी सेवेंटी फाइव और पी सेवेंटी फाइव आई प्रोजेक्ट में हम यहाँ पर बारह इंडिजीनियसली न्यूक्लियर सबमरीन बिल्ड करेंगे इंडिया तब तक क्या करने वाला था तो इंडिया यहाँ पर रशिया से लीज़ पर देने वाला है न्यूक्लियर सबमरीन्स तो इंडिया इज टेकिंग टू एस ऑन लीज़ फ्रॉम रशिया बट द फर्स्ट ऑफ दम इज एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड ओनली बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ड्यूरिंग दिस टाइम इंडिया इज डेवलप्ड इट्स ओन एस एस बी एंस इस बीच में हमने खुद के एस एस बी एंस भी बना रखे हैं जैसे कि आई एस अरिहंत और मैंने आपको बताया कि हमने खुद न्यूक्लियर इंडिजिनियस बना रखे हैं यहां पर था बेसिकली तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा हमने क्या बना रखा है यह है आईना सर न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबरीन जो कि हमने इंडिजिनियसली बिल्ड किया और इसका अपगेडेड वर्जन आईना सरीघात भी हमने इंडिजीनियसली बिल्ड किया है तो अगर हमें चाइना को काउंटर करना है तो हमें जल्द से जल्द यहां पर बनाने की जरूरत है सबमरीन अब ओवर टू डेकेट्स ग्रोइंग प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स हु डिसाइड चॉइस लेट तो कल मैंने आपको बताया था कि कैसे वेपनाइजेशन हो रहा है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का प्री पोल सर्वेस की वजह से तो यहाँ पर देखा गया है कि जब स्टेट इलेक्शन आते हैं तो प्री पोल सर्वेस है बिगन अपेयरिंग इन द मीडिया तो प्री पोल सर्वे शुरू हो जाते हैं अगर ये सही इंटरवल पर हो तो हमें पता चल सकता है जो वोटर सेंटीमेंट है वो किस तरफ जा रहा है लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कुछ प्रीपोल सर्वेज होते हैं लेकिन उसका रिजल्ट बिल्कुल हो जाता फॉर वेस्ट बंगाल में ये था कि जो बीजेपी और टीएमसी के बीच में बहुत क्लोज फाइट होने वाली है लेकिन हमने ये देखा जो टीएमसी है वो एकदम वास्ट मेजोरिटी से जीत गई तो यहाँ पर जो प्रीपोल सर्वे वो तो फेल हो गया तो ऐसा प्रीपोल सर्वे फेल क्यों हो जाता है तो इसका एक रीज़न ये दिया है जो वोटर्स हैं वो बहुत लेट डिसाइड करते हैं कैंपेनिंग जब हो जाती है उसके बाद डिसाइड करते हैं थे एनालिसिस ऑफ द रिस्पांस शोज दैट मोस्ट ऑफ द वोटर्स फाइनलाइज द चॉइस ओनली ड्यूरिंग और आफ्टर द कैंपेन पीरियड और पहले ऐसा नहीं था जब 2000 तक जब इलेक्शन होते थे तो जो वोटर्स होते थे उन्होंने पहले डिसाइड कर रखा होता था वो किसको वोट देंगे लेकिन बेसिकली दो के बाद देखा गया जो वोटर्स हैं वो बहुत एंड में डिसाइड करते हैं कैंपेन के बाद डिसाइड करते हैं कि वो किसको वोट देने वाले हैं तो दिस इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अ रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड टूवर्स अर्ली डिसीजन मेकिंग सीन इन नेशनल इलेक्शन तो पहले ये देखा गया था अर्ली डिसीजन मेकर होते हैं लेकिन अब ये लोग लेट डिसीजन मेकर हो चुके हैं कैंपेन

तो टी प्लस वन सेटलमेंट में ये बात की जा रही है कि एक वर्किंग दिन में इन्वेस्टर के पास पैसा जाना चाहिए जिसके पास सिक्योरिटी उसके पास सिक्योरिटी पहुँच जानी चाहिए तो ये फेबर पच्चीस दो हज़ार बाईस से शुरू कर दिया जाएगा अब पाकिस्तान ने क्या किया गो फर्स्ट फ्लाइट को ब्लॉक कर दिया था कि नहीं आप यहाँ पर पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ नहीं कर सकते तो पाकिस्तान ने किस चीज़ का वॉल्यूशन किया तो शिकागो कन्वेंशन जो नाइनटीन फोर्टी फोर का था जो भी इस कन्वेंशन के सिग्नेटरीज हैं तो यहाँ पर कुछ रूल्स फाइनलाइज किए गए थे पहला ये एज पार्ट ऑफ दीज रूल्स सिक्स फ्रीडम ऑफ एयर डिसाइड किए गए थे पहला ये फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर ग्रांड्स द राइट टू एन एयरलाइन ऑफ वन कंट्री टू फ्लाई ओवर अ सेकंड कंट्री तो जो एयरलाइन है वो दूसरे कंट्री का एयर स्पेस यूज कर सकता है तो फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर ग्रांड्स द राइट टू एन एयरलाइन ऑफ वन कंट्री टू फ्लाई ओवर द सेकंड कंट्री एंड लैंड इन द थर्ड कंट्री अब सेकंड फ्रीडम क्या ग्रांट करता है कि आप किसी फॉरन कंट्री में रुक कर, रिफ्यूल कर सकते हो इसके अलावा मेंटेनेंस ऑपरेशन भी कर सकते हो थर्ड और फोर्थ फ्रीडम ग्रैंड द राइट टू फ्लाई फ्रॉम द एयरलाइन तो आप यहाँ पर होम कंट्री से दूसरे कंट्री में फ्लाई भी कर सकते हो और वापस अपने होम कंट्री में भी आ सकते हो तो कुछ यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एयर थे लेकिन पाकिस्तान ने इनको वॉलेट किया तो ये शिकागो कन्वेंशन में आए थे फ्रीडम ऑफ एयर यहाँ पर लीड्स इंडेक्स निकाला गया है तो लीड्स जो इंडेक्स है उसकी फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स तो ये यह यही देखता है कि लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस कैसी है स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज़ की तो इसमें जो फर्स्ट रैंक पे है वो गुजरात फॉलोड बाई हरियाणा एंड पंजाब टेकिंग द थर्ड स्पॉट अब जो इंडिया के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है बेसिकली लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी है तो इंडिया की जो कॉस्ट है वो लगभग थर्टीन टू फोर्टीन परसेंट ऑफ जी डी पी है हमें इसे कम करके सेवन टू एट परसेंट पर लाना है और ये हम कैसे करेंगे तो ये हम पी एम गतिशक्ति प्लान से करेंगे जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात करता है आई होप आपको आज का न्यूज़ पेपर समझ आ गया इफ लाइक द वीडियो देंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे